आदमी है, उस पर करीबन 10-15 गधे थे। वो रोज उनके पीठ पर सामान रखता था, ढोता था और शाम को उन्हें बांध देता था, मजदूरी कमा लेता था। एक दिन सब गधों को बांधा, एक गधे की रस्सी दिख नहीं रही थी, खो गई। अब चारों तरफ देखे रस्सी नहीं मिले, बड़ा परेशान हो गया, क्या करूं। एक महात्मा निकल करके आए, उन्होंने कहा क्यों परेशान हो रहा है रामू? बोले महाराज क्या बताऊं, रस्सी खो गई गधे की, तो नहीं बांध पा रहा। अरे चिंता क्यों करता, रोज बांधने का नियम तो है तेरा। बोले हाँ। बोले ये समझ ले रस्सी तेरे हाथ में है, ये मान ले रस्सी तेरे हाथ में है। हम लोग पहले मैथमेटिक्स की इक्वेशन सॉल्व करते थे तो कुछ नहीं निकलता था, माना एक्स और फिर उसके बाद भी इक्वेशंस लगाते थे सारी। तो पहले मान ले तेरे हाथ में रस्सी है, अच्छा फिर और बांध ले जैसे रस्सी से रोज बांधता है, यानी कि अभिनय करना है। अच्छा कैसे, जैसे तू रोज करता, बस समझ ले भूल जा के रस्सी नहीं है, ये समझ रस्सी है। अच्छा ठीक, पहले मान रस्सी है मेरे हाथ में, रस्सी है, रस्सी है, रस्सी आ गई, रस्सी आ गई, अब बांधो। अब उसने महाराज अभिनय किया, रस्सी पकड़ी, पकड़ा गधे को, रोज तो बेचारा आसानी से करता था जब रस्सी हाथ में थी, आज नहीं थी तो फिर अभिनय कर रहा है, तो अभिनय में ओवर एक्ट हो गया। अब उस गधे को क्या लगा, आज तो मेरे मालिक ने मुझे बड़ा कर्रा बांधा है। उस गधे को लगा मेरे मालिक ने मुझे बड़ा कर्रा बांधा है, और गधे तो उठ बैठ भी रहे थे, ये तो हिल भी नहीं रहा था, एकदम चुपचाप खड़ा हुआ। अब सुबह हो गई, सुबह चलना था लेकर के गधों को, सबकी रस्सी खोली, सब तो चले। अब इसको करे चल, ऐ गधे चल, अभी यूं ही करे, चले ही नहीं। अभी लगे कि महाराज क्या चक्कर हो गया, महात्मा के पास गए, बोले महात्मा जी कौन सा जादू कर दिया, गधा हिल नहीं रहा। बोले कौन सा? बोले जिसको आपने कल बांधने को कहा था। बोले तूने खोला कि नहीं खोला? अरे बांधा ही कब था जो खोलूंगा। बोले जैसे तेने बांधा था वैसे ही खोल दे। अब महाराज वो रस्सी लेकर यूं करे, खोल दिया, और गधे तो धीरे धीरे चल के गए, तो वहां से ऐसा भागा द्वारा लौट के नहीं आवेगा महाराज। अब प्रश्न ये था, क्या उस गधे को बांधा था और क्या खोला था? न बांधा था न खोला था, गधे ने बंधन माना था और मुक्ति मानी थी। तो बस यही हम सब की स्थिति है, जो अपने आप में हम बंधे हुए हैं ही नहीं, हम शरीर मान के चलते हैं तो बंधन हो जाता है, और हम अपनी आत्मा की स्थिति में जिस दिन स्थित हो जाएंगे उसी दिन मुक्ति हो जाएगी, हमारे अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, इसी का नाम मुक्ति है। आश्रय 12वां स्कंद है, उत्पत्ति स्थिति लय जिससे प्रकाशित होता है, जिससे वो भगवान ही एकमात्र सबके आश्रय है, सबके एकमात्र आश्रय। जैसे सारी नदियां जाकर समुद्र में ही गिरती हैं, वैसे ही सब जीवात्माओं का आश्रय, सब प्राणियों का आश्रय केवल एक भगवान ही। अब प्रारंभ करते हैं तृतीय स्कंद। 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन कर रहे हैं, थोड़ी सुस्ती दूर हो जाएगी। आहा, तो कुछ अलग करें आज। विठल विठल गाइए रे, राम कृष्ण विठल गाइए रे, विठल विठल गाइए रे, राम कृष्ण विठल गाइए, विठल विठल गाइए रे,
राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव किसी से घर छूटता नहीं है, किसी से घर जल्दी छूटता नहीं। विदुर जी महाराज ने अपना रिद्धिमत घर छोड़ कैसे दिया? ऐशो आराम से भरपूर घर है, छोड़ कैसे दिया? अब रिद्धिमत घर हम एक एक सूत्र में बताएं। महाभारत को अगर हम पढ़ें तो महाभारत में विदुर जी का घर बड़ा ही आलीशान है, हाँ एकदम आलीशान। और हम अगर भक्तमाल को पढ़ें तो बड़ा दीनहीन बताया है, बड़ा दीनहीन, दासी के तो पुत्र हैं, दीनहीन घर। लेकिन महाभारत में धृतराष्ट्र की सुख सुविधाएं जो हैं विदुर जी को भी प्राप्त है। अब यहां कहा त्यक्त्वा माने त्याग करके, रिद्धिमत, रिद्धिमत घर को छोड़ दिया विदुर जी ने। अब रिद्धि क्या है? महाभारत झूठी है कि भक्तमाल झूठी है? महाभारत झूठी हो नहीं सकती, क्योंकि जो महाभारत में लिखा है वो ही सर्वत्र है, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। 1,00,000 श्लोक, महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ नहीं मिलेगा। वेदव्यास जी की अद्भुत कृति है ये भी। लेकिन भक्तमाल, तो क्या भक्तमाल झूठी है? भक्तमाल को झुठलाया जा नहीं सकता, महाभारत झूठी हो नहीं सकती, भक्तमाल को झुठलाया जा नहीं सकता। क्यों? बोले आंसुओं की स्याही से लिखा हुआ ग्रंथ है। अब विचार यह करना है कि एक भक्त की रिद्धि क्या है। एक घर वो है जहां सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ड्रेसिंग सेट, क्रॉकरी सेट, बट लाइफ अपसेट, सब तरह की सुख सुविधाएं हैं घर में, लेकिन फिर भी जीवन व्यथित है। और एक वो घर है भले ही सुख सुविधाओं से हीन हो लेकिन चैन की नींद आती है, सुख से सोते हैं, पेट भर के पाते हैं। ऐसी स्थिति है नहीं कि किसी के आगे हाथ पसारना पड़े, और ऐसी स्थिति भी नहीं कि महाराज धैर्य भंडारे चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आनंद है जीवन का। एक वो घर है जहां संत जल्दी जाते नहीं, और एक वो घर है जहां संत कभी भी छोड़कर के जाना पसंद नहीं करते, वहीं टिके रहना चाहते हैं। एक वो घर है जहां का 56 भोग भी ठुकरा देता है ठाकुर, और एक वो घर है जहां केले का छिलका भी बड़े प्रेम से मांग मांग करके खा लेता है। अब भक्त की रिद्धि पर विचार करो कि दुर्योधन का घर रिद्धिमत है या ठाकुर ने 56 भोग ठुकरा दिया, या विदुर जी का घर रिद्धिमत है या ठाकुर ने केले के छिलके भी मांग करके पा लिए। ये है भक्त की रिद्धि। और ऐसे घर को भी ठाकुर, ऐसे घर को भी भक्त ने छोड़ दिया विदुर जी ने। क्यों? भगवान श्री कृष्ण के 4 प्रधान शिष्य हैं, 4 प्रधान शिष्य डिसाइपल्स हैं। कौन से 4 हैं? एक है आर्त, एक है ज्ञानी, एक है अर्थार्थी, और एक है जिज्ञासु। चतुर्विधा भजन्ते माम, ये 4 प्रकार के भक्त हैं जो मुझे भजन करते हैं। एक आर्त भक्त है। आर्त कौन है? आर्त है विदुर। आर्त किसे कहते हैं? जिसको ठाकुर के अलावा, जिसको धर्म के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। आर्त कौन है? आर्त विदुर है।
एक अकेले विदुर ऐसे हैं जिन्होंने धृतराष्ट्र को भी टोकने के लिए सोचा नहीं, भरी सभा में टोक दिया कि महाराज गलत हो रहा है। कृष्ण के लिए ही केवल पागल है। इनको भी वाणी से उपदेश किया, छत्ता, ये छत्ता माने ये जितेंद्रिय हैं, इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। हमने एक बात कल पूछी कि तुम जीव के हो कि जीव तुम्हारी है, तुम जीव के हो कि जीव तुम्हारी है। साधारण उत्तर तो यही होना चाहिए, ये हमारी जीव है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कहते नहीं नहीं हम तो जीव के हैं, जीव जैसा कहेगी हम वैसा करेंगे। कोई लोग जीव के अधीन है, ये रसनेन्द्रिय है। दो ही इंद्रियां हैं जिनको जीतना अत्यंत कठिन है, और कलिकाल में इन दोनों को जीते बिना तुम जितेंद्रिय नहीं हो सकते। एक इंद्रिय है रसनेन्द्रिय, और दूसरी इंद्रिय है मूत्र इंद्रिय। मूत्र इंद्रिय इंद्रिय तो बुढ़ापे के साथ कमजोर भी पड़ जाएगी, लेकिन ये रसनेन्द्रिय जो है ये बुढ़ापे में भी प्रबल हो जाती है। हमने देखा है बड़े बूढ़े भी, डायबिटीज के पेशेंट भी हों, तो भी महाराज कुछ माल पाने छिपा करके रखते हैं कि बच्चे ना देख लेने तो टोकेंगे, और जब कोई नहीं होता तो छिप करके महाराज दो चार लड्डू पेड़ा मुंह में डाल लेते हैं। हमने देखा है ये रसनेन्द्रिय को जीतना बड़ा कठिन है, लेकिन विदुर जी आर्त हैं, ये छत्ता हैं, छत्ता रसनेन्द्रिय को क्या, इन्होंने सब इंद्रियों को जीत रखा है। ये विदुर हैं, आर्त भक्त हैं। दूसरे भक्त हैं वो जिज्ञासु हैं। वो कौन है? उद्धव। आप 11वां स्कंद देखें, उद्धव ने प्रश्न किए हैं और कृष्ण ने उत्तर दिया है। एक है अर्थार्थी, अर्थ माने धन, इनको भी भगवान ने उपदेश किया। देखो, एक को उपदेश किया वाणी से, एक को उपदेश किया मन से, और दो को उपदेश किया सहवास से। सहवास माने साथ में खुद बैठ करके। हाँ, अर्जुन को भी भगवान का संग मिला, उपदेश किया, और उद्धव को भी भगवान का संग मिला, उपदेश किया। लेकिन विदुर को तो वाणी से उपदेश किया, सामने नहीं। जैसे मैंने अपने ज्ञान को इधर ट्रांसमिट कर दिया। कल हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ यूथ बैठे, बोले हम अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आ जाएंगे आपके पास में, फिर आप उनको बताना भगवान के बारे में। हमने कहा तुम ही पहले जान लो और फिर तुम जान करके उन लोगों को बताना। एक दीपक से दूसरा दीपक जले और दूसरे दीपक से अन्य दीपक बुझे हुए जल जाए। तो विदुर जी को जो उपदेश किया है, उपदेश कैसा किया? वाणी के माध्यम से भगवान ने ट्रांसमिट कर दिया तुमसे, तुम उपदेश करो उसको जाकर के। और मैत्रेय को उपदेश किया मन से, मैत्रेय बैठे हैं, वाणी से भगवान नहीं कह रहे, केवल बैठे हुए हैं, मौन है, और मन से उपदेश सब। ये भी उपदेश होता है? बोले हां। गुरु की महिमा यह है कि गुरु मौन भी होता है तो भी शिष्य के भीतर का संशय छिन्न भिन्न कर देता है। गुरुस्तु मौन माख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय। गुरु जी के मौन में भी बड़ी ताकत होती है साहब। तो विदुर जी को वाणी से उपदेश किया, मैत्रेय को मन से उपदेश किया, ये चार शिष्य हैं। अर्जुन को सहवास से गीता का उपदेश किया, अर्थार्थी है, उपदेश भी किया गीता का, पर बाद में अर्थ भी दिलाया, राज्य भी कराया। पर उद्धव ज्ञानी है, इनको ज्ञान की बंजर भूमि में भक्ति के जल से पोषित करके और प्रेम का अंकुर पैदा कर दिया था। ये उद्धव है। नारायण विदुर जी महाराज ने जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के आए और इनका अपमान हो गया, तब विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को आकर के कहा, बड़े भैया मैंने पहले ही कहा था कि दुर्योधन कलयुग का अवतार है,
इसको मरवा दिया होता बचपन में ही तो अच्छा होता, आज भरी सभा में श्री कृष्ण का अपमान हो गया है। अगर अभी भी आप चाहते हो पूरे कुल को बचाना, तो एक के निकाल देने से अगर पूरा कुल बच जाता है तो एक का मर जाना श्रेष्ठ है। अगर पूरे विश्व को बचाने के लिए एक देश को बलिदान होना पड़े तो एक देश का बलिदान श्रेष्ठ है। पूरे देश को बचाने के लिए अगर एक राज्य का बलिदान होना पड़े तो एक राज्य का बलिदान होना श्रेष्ठ है। एक पूरे राज्य को बचाने के लिए यदि एक जिले का नष्ट हो जाना अच्छा है तो एक जिले का नष्ट हो जाना ठीक है, और पूरे जिले को बचाने के लिए अगर एक नगर का नष्ट हो जाना उचित होगा तो नगर का नष्ट हो जाना उचित है, और पूरे नगर को बचाने के लिए अगर एक घर का नष्ट हो जाना ठीक है तो वही ठीक रहेगा, और पूरे घर को बचाने के लिए यदि एक का बलिदान देना पड़े तो वह भी ठीक है। आपका पूरा कुल बच जाएगा अगर दुर्योधन निकल जाएगा। विदुर जी तो कह दिए, नौकर वो जाकर के भिड़ाते हैं, अरे महाराज दुर्योधन जी, बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारे चाचा तुम्हारे बाप को तुम्हारे खिलाफ भड़का रहे हैं। दुर्योधन आता है, वाह अरे काका, हमारा ही अन्न खाते हो, हमारी रोटी खाते हो और हमारी थाली में छेद कर रहे हो, नौकरों निकालो धक्का देकर इसके लिए। विदुर जी महाराज ने तुरंत कहा, पहले तो देखा धृतराष्ट्र की ओर, ये कुछ कहते कि नहीं कहते। धृतराष्ट्र मौन था। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिस घर में बच्चे अपने बड़े का अपमान करें और उस घर का मुखिया मौन रहे, उस घर में महाभारत होगी। आज भतीजा चाचा का अपमान कर रहा है और राजा मौन है। ये राजा नहीं है, पाप है, मोह में पड़ा हुआ है। नहीं तो चाहता तो फटकार देता, अरे दुर्योधन तेरे चाचा लगते हैं, कैसे कह रहा है? और कह भी तो सही रहे थे, विदुर गलत तो नहीं कह रहे थे, लेकिन अंधा मौन ही रहा। आज ये अंधा गूंगा भी हो गया, बोला नहीं। विदुर जी महाराज ने धनुष लेकर के द्वार पर रख दिया। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम गतव्यथो याद उरुमान यानः। अब यहां से चलना ठीक है। क्या भक्त को अपना अपमान लगा होगा? ना, भक्त को अपमान नहीं लगा। भक्त को क्या लगा? दुर्योधन तेरी बात का मुझे बुरा नहीं लग रहा, मैं तो जानता हूं जो तेरे पास होगा तू वही दे सकता है, संस्कार तो तेरे पास है नहीं, वाणी से निकले हुए शब्द उसको प्राप्त हुए संस्कार का दर्शन कराते हैं। उस व्यक्ति के संस्कार कैसे हैं? शब्द जब तक वाणी के भीतर है तब तक तो कोई बात नहीं, वाणी के बाहर भीतर है वाणी के तब तक शब्द आपके वश में है। जिस दिन शब्द वाणी के बाहर निकल जाएगा आप शब्द के वश में हो जाओगे। नारायण, विदुर जी महाराज बोले मुझे खराब नहीं लग रहा, लेकिन अरे दुर्योधन कहीं मेरे भीतर बैठे हुए मेरे कन्हैया को खराब ना लग जाए, मेरे कृष्ण को खराब ना लग जाए, नहीं तो यहीं पर अनिष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरा जाना ही उचित है। और धनुष रखने का भाव, युद्ध भी होगा तो न मैं उधर से लड़ रहा हूं ना इधर से लड़ रहा हूं, मैं न्यूट्रल हूं, निकल आऊंगा। और महाराज श्री धाम वृंदावन में विदुर जी का आगमन हुआ, उद्धव से इनकी भेंट हुई, और उद्धव से जब भेंट हुई तो मिले, बड़े प्रसन्न होकर मिले, आज रोम रोम रोमांचित हो गए। अरे उद्धव को देखा विदुर ने तो लगा माने साक्षात कृष्ण हो सामने, हा कृष्ण हा कृष्ण करते विदुर दौड़े, और इधर से उद्धव ने दोनों हाथ पसार लिए, आंखों से दोनों के आंसुओं की धार बह रही है, और दौड़ करके विदुर जी ने उद्धव को आलिंगन किया कृष्ण कृष्ण कहते हुए। उद्धव भूल गए सुधबुध, एक भक्त को देख करके भूल गए, बस यही देखा कि एक भक्त दिख रहा है,
लेकिन रोते रोते आंखों के आंसू और कान के पास मुख कृष्ण कृष्ण जब कहने लगा, कृष्ण तुम मिल गए, कृष्ण तुम मिल गए, उद्धव को होश आया। उद्धव कहते हैं, विदुर जी मैं कृष्ण नहीं उद्धव। विदुर और उद्धव और कृष्ण में अणुमात्र का भेद नहीं। नो दमो मणवन्युनो, दोनों एक जैसे दिखते हैं। वही श्याम वर्ण, वही श्याम वर्ण, वही घुंघराले केश, वही घुंघराले केश, वही कमल नयन, वही कमल नयन, एकदम दिखने में वैसे ही। लेकिन रोम रोम रोमांचित हो गए। जब भक्त मिलता है, एक दूसरे से भक्त मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? चार मिले चौसठ खिले, हे जी पीस रहे कर जो, हरिजन सो हरिजन मिले तो हर्ष सात करोड़। चार मिले तो आंख अपनी, तो आंख प्रेमी की, चार मिले चौसठ खिले, बत्तीस दाता अपने बत्तीस दाता प्रेमी की, चार मिले चौसठ खिले, पीस रहे कर जो, हरिजन सो हरिजन मिले, भक्त से भक्त प्रेमी से प्रेमी मिले तो साढ़े तीन करोड़ लोग अपने शरीर के, साढ़े तीन करोड़ लोग प्रेमी के शरीर के, हर्ष सात करोड़। बोलिए भक्त और भगवान की जय। अद्भुत मिलन हुआ है और दो भक्त मिलते हैं। अच्छा बता, दो लुगाई मिलेंगी तो क्या चर्चा होगी? दो लुगाई मिलेंगी, दो गृहिणी मिलेंगी, दो गृहस्थी मिलेंगे। अरे नई नवेली होंगी तो कहेंगी सास कैसा पति के, सास कैसी पति कैसा, यही चर्चा करें। फिर थोड़ी और बूढ़ी होंगी तो कहेंगी आज तेरे घर में क्या बना है। आस पड़ोसी का घर होगा। हाँ, ये बड़ी बूढ़ी कहती रहती है, तेरे घर में कहा बनाओ, तेरी बहू ने कहा बनाया। अरे कहा बनाओ, आज तो दही बड़ा बनो। ए लाली एक काम कर बहन, ए जी जी वो दही बड़ा मैं टिफिन भेज दूंगी तेरे पास, दही बड़ा भेज दिया मेरे पास। ऐसी बात करे बड़ी बूढ़ी। लेकिन जब भक्त मिलते हैं तो केवल कृष्ण चर्चा होती है, राम चर्चा होती है, भगवान की चर्चा होती है, भगवत चर्चा होती है। और इस चर्चा का प्रारंभ आर्त भक्त हैं विदुर, उन्होंने कर लिया। कहा कृष्ण का समाचार तो सुनाओ, कृष्ण कैसे हैं? उद्धव चुप हो गए, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। फिर पूछा, मैं पूछ रहा हूं आपसे कृष्ण कैसे हैं, कोई समाचार तो दो कृष्ण का, कुछ तो सुनाओ। आ हा हा, बोले हे विदुर जी, सूर्य अस्त हो जाए, सूर्य अस्त हो जाए और कोई पूछे कि दिन कितना शेष रह गया तो बताओ क्या उत्तर दिया जाएगा? भाव भाव यह है कि अब हमारे जीवन रूपी गगन में से कृष्ण रूपी सूर्य अस्ताचल में चले गए। अब कृष्ण हम सब के बीच में नहीं रहे। जो विदुर ने सुना है, पछाड़ खाकर भूमि पर विदुर गिरे, हा हंत मैं इतना अभागा रह गया, कृष्ण ने मुझे इतना अभागा करके छोड़ दिया कि जाते जाते एक दर्शन तक न मिल पाया मुझे कृष्ण का। भरी सभा में अपमान कृष्ण का हुआ, भरी सभा में, उसके बाद कृष्ण का दर्शन न हो पाया, कृष्ण का दर्शन न हुआ। भगवान के लिए आर्त हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं। उद्धव जी कहते हैं, अरे विदुर जी आप तो भाग्यशाली हैं। बोले कैसे? बोले जाते जाते कृष्ण आपका स्मरण करके गए थे। मेरा स्मरण? हाँ, श्री कृष्ण ने आपका स्मरण किया, आंखों में आंसू भरे हुए ठाकुर के, और मैं उनके चरणों में बैठा हुआ था, मुझसे कहा उद्धव मेरा विदुर नहीं आया अभी तक,
मेरा विदुर नहीं आया अभी तक। आप ये न समझे कि भक्त ही भगवान का स्मरण करेगा। जब भक्त की हृदय की आर्त पुकार चरम सीमा को पार कर जाती है तो फिर भक्त भगवान का स्मरण करता है, लेकिन भगवान अपने भक्त की भक्ति करने लग जाते हैं। भगवान भक्त भक्तिमान, भक्त भगवान की भक्ति करे और भगवान भक्त की भक्ति करते हैं। ये जो पंढरीनाथ जो कहीं गए हैं वहां पर एक भक्त के लिए ही भगवान एक ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं, एक ईंट के ऊपर। भक्त माता पिता की सेवा कर रहा है, भगवान आ गए। रोज तो मन दर्शन करने आता था, आज नहीं आया, भगवान को व्याकुलता हुई। भगवान के दर्शन करने का भी एक आनंद है। दर्शन ऐसा करो ठाकुर का, लोग मंदिर में जाते हैं और दर्शन करने के लिए आंख बंद कर लेते हैं। अरे आंख बंद करके ही अगर दर्शन करना तो घर बैठ के कर लेते हैं, यहां तो आंख खोल करके ठाकुर का दर्शन करो, निहारो ठाकुर की झांकी को, निहारो चरण से लेकर के मस्तक तक ठाकुर के श्री अंग विग्रह को निहारो, चरण से लेकर के। और देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, कब तक देखें? जब तक वो छवि तुम्हारी आंखों के भीतर आकर के जम ना जाए। जब तक निहारो ठाकुर को। हमने देखा है, हो बिहारी जी का दर्शन करने लोग जाते, गए दो मिनट में आ गए, क्या हुआ? बोले बड़ी भीड़ थी, दर्शन दर्शन तो बहुत बढ़िया हो गए। बाबा क्या कहते, ठाकुर ने आज कैसे रंग की पोशाक पहनी थी? ठाकुर ने पोशाक तो भूल गए, ये दर्शन नहीं है, ये तो भागम भागता सौदा है। दर्शन वो है जब करो तो इस आंखों से झांकी, एक झांकों के झरोके से उतर करके और हृदय के सिंहासन पर आकर ठाकुर की छवि विराजमान हो जाए। ठाकुर को देखते देखते मोहन मेरे सांवरे मैं नयन थाप लूं तो, मोहन मेरे सांवरे मैं नयन थाप लूं तो, ना मैं देखूं और को ना देखन दूं तो, ना मैं देखूं और को ना देखन दूं तो। दर्शन करने का लक्षण ऐसे दर्शन करो ठाकुर, और वो दर्शन ठाकुर तुम्हारा दर्शन करने को लालायित हो जाए। भजन करो तो ऐसा कि ठाकुर तुम्हारा भजन करने को लालायित हो जाए, दर्शन करो तो ऐसा ठाकुर को तुम्हारे दर्शन की प्यास जग जाए। ये लौ लगा लो, प्रेम करो ऐसा कि ठाकुर तुमसे प्रेम करने लग जाए। हमारे नारायणदास भक्तमाली जी बक्सर वाले मामा जी, वो कहते कि भगवान के विग्रह के आगे जब आओ, अगर हिंदी नहीं जानते हो अंग्रेजी जानते हो तो भगवान से कहो आई लव यू। हाँ भगवान से कहो आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। जितनी बार निकल के जाओ उतनी बार कहो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। कब तक कहें? अरे कहते रहो बार बार, कान के पास जाकर मैं आपसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। निकल के जितनी बार आना जाना करो कहते रहो। बोले कब तक कहें? जब तक सुनते 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 कान ठाकुर के दर्द न कर जाए और ठाकुर के मुंह से न निकल जाए अरे हां बाप तू मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूं। जब तक ये स्थिति ना आ जाए तब तक कहते रहो उससे। बहुत बढ़िया भाव, देखो तुम धुन मत दिया करो, भाव दूसरी तरफ उड़ जाता है हवा। ये भाव ऐसा होता है, हाँ भाव दूसरा होता है और निकल कहीं और जाता है। देखो एक हमने महाराष्ट्र अकोला में एक बहुत बढ़िया पद सुना था, जिसको हम
बहुत कभी कभी गुनगुनाते हैं। अब हम देख लें तो महाराज आपको सुना देंगे। मन तो हो रहा है कि दो पंक्ति तो उसकी हम सुना डालें। अब वो जैसा आएगा, वो आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। महाराज जीवन में ठाकुर से प्रेम हो तो कैसा है। उसमें हम कभी कभी पंक्ति गुनगुनाते हैं कि एक गीत भी, तुम जहां जाओगे भूलना नहीं हमको, एक पंक्ति हम गुनगुनाते हैं और उसको हम बिना ताल तबले के भी गाते हैं। अब नहीं मिल रहा तो नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, अब मैं क्या बताऊं। जीवन शब्द उसमें आता है, बड़ा भावपूर्ण है। जाने दो अब जो होगा क्या है, कुछ गुनगुना दो अगर तुम्हें। जीवन बिता, क्या बात है, क्या बात है। जीवन बिता जीवन बिताऊं सारा दीदार करते करते, हर पल पल हर घड़ी में मेरे हर पल हर घड़ी में मेरे श्याम याद आना, हर गम 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 हर खुशी में घनश्याम याद आना, हर गम हर खुशी में घनश्याम याद आना। मैं भूलने न पाऊं, तुम भी न भूल जाना। जीवन बिता सारा जीवन बिताऊं सारा दीदार करते करते, रह दिल में उठती है तरंगे, रह रह के मेरे दिल में उठती है ये तरंगे, है मेरे दिल में केवल तेरे मिलन की उमंगे, है मेरे दिल में केवल ते
तेरे मिलन की उमंगे। विश्वास है एक रोज सो मिलोगे रोज तो इनकार करते करते जीवन बिताऊं सारा दीदार करते करते जीवन बिताऊं सारा दीदार करते करते। हम नहीं मिलेंगे तब तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। देखो मैं ना समझ लू माया तेरी है चल 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 देखो मैं ना समझ हूँ माया है तेरी चल चल ना छोड़ देना पकड़ा है तेरा दामन ना हाथ छोड़ देना पकड़ा है तेरा दामन ना हाथ छोड़ देना भव पार करते करते जीवन बनता सारा जीवन बिताऊं सारा दीदार करते करते दार करते करते तुझे प्यार करते करते। और महाराज और उद्धव के बीच में अब कृष्ण चर्चा हुई, कृष्ण की लीलाओं की चर्चा हुई। लीला किसे कहते हैं जिसमें जीव लीन हो जाए, जिसको सुनते सुनते समाधिस्थ हो जाए, उसका नाम लीला है। कथा सुन रहे हो, सुनते सुनते उसी में डूब गए। अगर डूबे नहीं तो उस लीला में प्रवेश ही नहीं हुआ। लीला में तो प्रवेश होते ही डूब जाओगे। लियते अपने अंदर लीन कर ले, इसका नाम लीला। सुनते सुनते श्रवण करते करते उसी का एक हिस्सा बन जाओ, इसका नाम नारायण। विदुर जी महाराज से उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास आप चले जाओ। श्री कृष्ण जाते जाते ये आज्ञा दे करके गए थे कि मेरा लाडला विदुर आवे तो मैत्रेय मुनि के पास भेजना। ये मैत्रेय मुनि वही हैं जिनको भगवान ने मन से ज्ञान दिया है और अब विदुर जी को ये अपनी वाणी से ज्ञान देंगे। कहां मिलेंगे मैत्रेय मुनि इस समय? हरिद्वार के कुशावर्त घाट पर विदुर जी महाराज वहां से चलते हैं और सीधे हरिद्वार के कुशावर्त घाट पर पहुंचते हैं। मैत्रेय मुनि के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया है विदुर जी महाराज। चरणों में प्रणाम करके मैत्रेय मुनि कहते हैं द्वारी दुनद्या ऋषभ गुरुणा अगाध बोध है। कौन अगाध बोध है? मैत्रेय। अगाध बोध किसे कहते हैं? जिसका ज्ञान कभी छिन्न भिन्न नहीं होता, जिसका ज्ञान सदैव अविच्छिन्न रहता है। अपरिच्छिन्न बोध अगाध बोध अपरिच्छिन्न बोध जिसके ज्ञान जैसे कोई पानी में कंकड़ डाल दे तो तरंगें भी उड़ जाती हैं। इनके ज्ञान में कोई किसी प्रकार का भी विच्छेद उत्पन्न नहीं कर सकता, कंपन उत्पन्न नहीं कर सकता,
इनका ज्ञान हमेशा अगाध बोध है। ऐसे अगाध बोध के चरणों में विदुर जी महाराज बैठे हैं और एक प्रश्न किया, भगवान एक, और ये प्रश्न कितना साधारण है, हम सबके लिए है। हर कोई सुख चाहता है, एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस, लेकिन क्या हमेशा सुख मिलता है? पहले की बात थी कि अमृत बाद में विष पहले, अमृत जीवन का सुख, विष जीवन का दुख। अगर जीवन के सुख रूपी अमृत को पाना चाहते हो तो सबसे पहले दुख रूपी विष का सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात है, दुख कोई चाहता नहीं है फिर भी दुख आ जाता है, चाहता सुख है फिर भी नहीं मिल पाता, क्यों? विदुर जी महाराज कहते हैं एक कारण है, भगवान को भूल करके जब कर्म करता है तो सुख की चाहना होने पर भी उसके जीवन में दुख ही आता है। जैसे एक एक माता जी ने बढ़िया खीर बनाई, दूध डाला कढ़ाई में, बढ़िया महाराज उसमें सेवइयां डाली और दूध को ओटाया बढ़िया तरीके से, एकदम चमचा से हिलाया और सब करने के बाद बढ़िया एकदम बनने की खीर बन गई। ऐसी तो बनती है, और बन करके डाल दी, बोले पियो। खीर फीकी थी। क्यों फीकी थी? क्योंकि चीनी डालना भूल गई, चीनी डालना भूल गई, इसलिए खीर मीठी होने पर भी फीकी ही रह गई। खीर तो मीठी होती है लेकिन फीकी रह गई क्योंकि चीनी भूल गई। चीनी ही मिठास है। जीवन में भगवान ही सुख है, भगवान ही आनंद है, और जब जीवन में कोई कर्म करोगे और सुख रूपी आनंद रूपी भगवान को भूल करके करोगे तो जीवन में तो दुख ही दुख रह जाएगा, सुख आएगा कहां से, ये बताइए। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। प्राणी भगवान को भूल गया। काम ने छोड़ा, क्रोध ने छोड़ा, हरि का नाम क्यों छोड़ दिया, हरि का नाम क्यों छोड़ दिया। काम ने छोड़ा, क्रोध ने छोड़ा, हरि का नाम नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। नाम नाम भगवान को भूल गए। और ऐसे प्राणी जो भगवान को भूल करके कर्म करते हैं तो उनके बीच में संत महात्मा आकर उन्हें भगवान की याद दिलाते हैं। हम कुछ नया काम नहीं कर रहे, भगवान है ये सब जान रहे हो, सब कुछ है, लेकिन भूले बैठे हो। भूले हुए भगवान को याद कराना ही एक कथा का कर्तव्य होता है। कथा का काम ही यही है कि भूला हुआ भगवान हमें याद आ जाए। एक संत थे, उनका असली नाम तो किसी को नहीं मालूम, हमें तो नहीं मालूम, लेकिन उनका नाम लोगों ने उनकी क्रिया के अनुसार नाम रख दिया खटखटा बाबा। खटखटा, ये किवाड़ खटखटाते थे दरवाजे जाकर, खटखटा नारायण हरि, खटखट खटखट खट, तो नाम खटखटा बाबा इनका हो गया। पहले नाम ऐसे ही रखे जाते थे। इन खटखटा बाबा का स्थान जानते हो कहां है? तो हम तो जगह का नाम, हम जैसा आपको भूला हुआ कथावाचक कहां मिलेगा, हम तो चीज ही भूल जाते हैं। ये है, बोल दे, भरतना। देखो ये भरतना गांव है इटावा के पास में, वहां के ये संत हैं, खटखटा बाबा इनका नाम हुआ। महाराज एक दिन इन बाबा ने, इन महाराज ने
एक जनाना वेश पहना, मांग टीका लगाया, कान में कुंडल पहन लिए, नाक में नथनी पहन ली, हाथ में चूड़ी पहन ली और ऊपर से ओढ़ना ओढ़ लिया। लोग कहे हे भगवान, आज बाबा ने बड़ा विचित्र वेश धारण किया। पूछा के बाबा ये विचित्र वेश क्यों पहना आपने? तो बोले भैया अपने लिए कहां पहना, किसी को जरूरत पड़ेगी तो दे देंगे। आज ये महात्मा कहां गए? एक ऐसे घर में जा रहे हैं जिस घर में एक बेटा जवान मरा हुआ पड़ा है, एक सेठ का लड़का मरा पड़ा, नास्तिक का घर है। दरवाजा खटखटाया, नारायण हरि, दरवाजा खुला था तो भीतर चल दिए। लोगों ने गाली दी बाबा को, अरे बाबा कहीं मांगने जा रहे हो तो ये तो देखना चाहिए कि किस घर में मांगने आए हो। सेठ का बेटा जवान मरा हुआ पड़ा है तो मैं मांगने की लग रही है? महात्मा ने सबकी ओर देखा, मां रो एक कोने में पड़ी है, छाती पीट रही है। दूसरा बेटा उसको सांत्वना दे रहा है, मां धीरज रख, मां धीरज रख, एक भैया तो चला गया लेकिन तू? बाप बाप बेचारा सुन्न बैठा हुआ है, लोग उसके पास बैठे हैं। बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, वो कह रही हैं, एक भगवान कैसा दिन दिखाया, अभी अभी शादी होकर के चुकी है, बहू के हाथ की मेहंदी अभी उतरी नहीं है, विधवा कर दिया इसको। वो पैरों के पास में पड़ी हुई माता बक करके रो रही। महात्मा ने जब सबको देख लिया और जब बहू पे दृष्टि गई तो महात्मा कहने डूब गया सब, क्यों? ये मैया बाप तो दूसरे बेटे के सहारे रह भी लेंगे लेकिन ये बहू किसके सहारे रहेगी? आज उस उन महात्मा ने कान का कुंडल, हाथ की चूड़ी, मांग का टीका, नाक की नथनी लेकर बहू की गोद में रखा और ओढ़ना लेकर बहू के सर पर डाल दिया। लोग कहने लगे अरे महात्मा ये विधवा है, ये सुहाग के चिन्ह से दे रहे हो? और महात्मा चुपचाप मरे हुए बेटे के पास बैठे घुटने के बल पर और माथे पर हाथ रख करके उस मरे हुए बेटे के कान में कहा, नारायण अभी सोने का समय तो बेटा तेरा नहीं है, तुझे दुनिया में बहुत काम करने हैं, चल चल नींद पूरी हो गई, उठ जाओ। और कहकर माथे पर हाथ फेरा था कि मरा हुआ बेटा जिंदा होकर के बैठ गया है सामने। महात्मा खड़े हुए, चल पड़े, आंखों से आंसू महात्मा के बह रहे हैं। कुछ तो बच्चे को लाड़ प्यार करने में रह गए, कुछ भगवान का चमत्कार मानकर धन्यवाद देते हैं, कुछ महात्मा के पीछे भागते हैं, लेकिन वो महात्मा किसी को मिले नहीं। हमारे गुरुदेव कहते न जाने श्वास में से श्वास दिए, प्राण में से प्राण दिए, जीवन में से जीवन दिया, लेकिन पूरे घर को वैष्णव बना करके चले गए महात्मा, भगवान का भक्त बना करके चले गए। भैया अनुग्रहाय चरंतीरुणम, ये संत महात्मा अनुग्रह करते हैं, भगवान की स्मृति याद दिला देते हैं। अगर संत ना होते संसार कब का जल जाता है।